आंद्रे रशेल केकेआर के लिए मैच जिताऊ खिलाड़ियों में से एक हैं। पिछले मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन करके केकेआर को हैदराबाद के खिलाफ जीत दिलाई थी। केकेआर की टीम को अंतिम 3 ओवरों में 53 रनों की जरूरत थी और इस धाकड़ खिलाड़ी ने महज 19 गेंदों पर नाबाद 49 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 2 गेंद में शेष रहते जीत दिला दी। यहां रसेल का जलवा गेंदबाजी में भी रहा, उन्होंने 3 विकेट भी अपने नाम किए। मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रशेल ने खुलासा भी किया है। आंद्रे रशेल ने 19 गेंदों पर नाबाद 49 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई और इसके साथ ही वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। मैच के बाद उनके साथी खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने आईपीएल में वेबसाइट के लिए उनका इंटरव्यू लिया। उथप्पा ने भी इस मैच में 27 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली थी और इस खास इंटरव्यू के दौरान रशेल ने दिलचस्प खुलासा किया कि वो अपने होटल रूम में जब ऊब जाते हैं तो 300 पुशअप करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने हाथ से उठाकर अपने बाइसेप्स भी दिखाए। बता दें कि रसेल ने केकेआर का साथ लंबे वक्त से लेकर रखा है और उन्होंने कई मुकाबले केकेआर के लिए खेले हैं और उन्हें जीत भी दिलाई है। शायद यही वजह है कि केकेआर हर बार इस खिलाड़ी को रिटेन करती है। गौरतलब है कि इस बार भी केकेआर आईपीएल के खिताबी दावेदारों में से एक समझी जा रही है। देखना होगा कि सीजन 12 में केकेआर कहां तक सफर तय करती है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय केकेआर के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।